आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता की गई है। साथ ही दीवार पेंटिंग, स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया सेल के माध्यम से लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से वॉलंटियर बनाए गए हैं, जो दिव्यांग मतदाताओं से 100% वोट करवाएंगे। साथ ही 19 अप्रैल को शादी समारोह के सीजन को देखते हुए लोगों के बीच जाकर मतदान करने की अपील भी की जाएगी। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है और इस क्रम में जगह जगह जो भी हमारी आचार संहिता का इन्फोर्समेंट की जो टीम्स हैं वो मौके पर कार्य कर रही हैं और इसमें आज प्रेस वार्ता भी की गई और इसमें सभी हमारे जो मीडिया कर्मी उनके माध्यम से अधिक लोग मतदान कर सके इसके बारे में जनपदवासियों को अपील की गई है। जो भी चुनाव की तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं, समयबद्ध तरीके से सभी कार्य किए जा रहे हैं। 19 अप्रैल को हमारे जनपद में चुनाव होगा और इसमें दो लोकसभा क्षेत्र हैं, टेहरी लोकसभा क्षेत्र और पौड़ी लोकसभा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र, जिसमें संबंधित आरों जो होंगे उनके द्वारा नॉमिनेशन किया जाएगा। मतदान कर्मियों के लिए जो भी सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं उसके हिसाब से उनका चयन किया जा रहा है। साथ ही जो भी हमारे जो भी एरियाज हैं जहाँ पर पुलिस फोर्स या CPF की तैनाती की नहीं, वो बारे में उस कार्यक्रम में भी हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। साथ ही स्वीप की जो गतिविधियां उसको और अब हम जोर देंगे और जगह जगह जहां भी हमारे मतदाता हैं उन सबको हम पर्सनली अनुरोध कर रहे हैं जगह जगह जाकर कि आप जरूर 19 अप्रैल को भारी संख्या में हमारे जनपद में मतदान करें। मतदाताओं के लिए हमने प्रयास ये किया कि हम उनका 100% मतदान कराएं और उसके लिए हमने प्रत्येक बूथ में दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग करी है और उनके लिए वॉलंटियर्स भी नामित किए हैं, जो वॉलंटियर्स उनको पूरी तरह से सहूलियत प्रदान करते हुए बूथ तक लाएंगे और उनका मतदान कराएंगे। अधिक से अधिक लोग उसमें मतदान करेंगे और वो एग्जाम्पल भी सेट करेंगे बाकी मतदाताओं के लिए ताकि हम अच्छी संख्या मतदान करा सकें। शादी समारोह आदि जो भी प्रोग्राम्स 19 अप्रैल को आप बता रहे हैं ऐसे होंगे, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे जो भी मतदाता सम्मिलित होने आ रहे हैं वो जरूर मतदान करने आए हैं और जो भी प्रोग्राम से अन्य जो भी सामाजिक कार्यक्रम होंगे उसके लिए संबंधित SDM से अनुमति ली जा सकती है।